क्लास नाइन्थ। चलिए सर, आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम की बात करेंगे, और एक और होता है एंड फ्रीक्वेंसी। चैप्टर का नाम हो गया एक तरह, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। चलिए, इसमें है क्या ये चीज समझो ध्यान से। बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा भी अगर आप समझ लेंगे। बार ग्राफ का एक दूसरा नाम होता है कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ कुछ नहीं दे रहा। तो बार ग्राफ, इन द बार ग्राफ, बार बिट आर ड्रॉन विद वेरियस हाइट। बार बिट, हम देखिए ध्यान से क्या बार मतलब समझते ना, कुछ कॉलम टाइप का बनाएंगे, कॉलम बनाने होंगे, जैसे इस तरह से बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, एक्स वाई एक्सिस होगी। हमें एक्स एक्सिस तो कोई डिस्टेंस निर्धारित कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कितनी डिस्टेंस में हमको बार बनाना है। जैसे ग्राफ पेपर में आप देखिए, दो तरह के खाने ऐसे बने होते हैं। एक ऐसे बड़ा ब्लॉक बना होता है, उस बड़े ब्लॉक के अंदर 10 खाने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ऐसे इसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं बैक बार ग्राफ में, ऐसे इस तरह से ग्राफ पेपर में देखे होंगे ग्राफ। तो ये जो बड़ा ब्लॉक है ना, हमने मान लिया कि जो वन ब्लॉक है उसी का हम डिफरेंस लेके चलेंगे। तो एक बड़ा ब्लॉक पे बार ग्राफ बनाएंगे, एक पे छोड़ देंगे, एक पे बनाएंगे, एक पे छोड़ देंगे, एक पे बनाएंगे, और बिट आपको डिसाइड कर लेंगे कितनी बिट लेनी है, पूरी एक लेनी है या आधी लेनी है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बार ग्राफ बनाने मतलब कुछ डिस्टेंस तो बनते हैं, और उसकी जो हाइट होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो यानी हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे बार दिखाएंगे, यहाँ पे बार होंगे, और यहाँ पे उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर हम बार ग्राफ के बार बनाएंगे, बार मतलब कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पर हम उनकी क्या हाइट रखेंगे। हाइट किसको रिप्रेजेंट करेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए, आपके पास डेफिनेशन किताब में लिखी है, इन बार ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म बिट। यूनिफॉर्म बिट का मतलब समझ लीजिए, बराबर बिट के होने चाहिए, कि एक मोटा बना दिए, एक पतला बना दिए, मोटा पतला नहीं करना है, बराबर बिट के बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। यूनिफॉर्म बिट आर ड्रॉन विद वेरियस हाइट, द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बार ग्राफ की डेफिनेशन आप किताब से देख लेंगे। सीधे सवाल पे आते हैं, बहुत आसान सवाल है। पहला एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल हम नहीं बताएंगे, एक दो बताएंगे जो जरूरत पड़ने वाले अच्छे हैं, उनके बाद आपको करने सारे एग्जाम्पल, सारे सवाल। इसमें पूछने लायक कुछ भी नहीं बचता है कि जो आप पूछने लायक समझते होंगे, फिर भी हम देख ले रहे हैं, सब कुछ देख के चलेंगे। पहला सवाल लिखा एग्जाम्पल, 70 स्टूडेंट फ्रॉम एन लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो स्कूल। भैया देखिए, कुछ हमारे स्कूल के बच्चे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल आ रहे हैं। कितने बच्चे, 70। हाउ मेनी स्टूडेंट, देयर आर 70 स्टूडेंट, चलिए। तो यहां पे क्या लिखना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सवाल में दिया है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखे जा रहे हैं, उनके क्या दिए जा रहे हैं। पहले लिखा कार से 4 लोग आ रहे हैं, ठीक। बस से 27 लोग आते हैं आपके स्कूल में, 27। फिर स्कूटर से भी कुछ आने, स्कूटी जिसको स्कूटर बोल रहे हैं अभी, स्कूटर से कितने, 13, 14, 15, 11 आ रहे हैं। साइकिल से भी आने वाले बच्चे हैं, बाइसाइकिल वो कितने हैं, वो 20 हैं। और कुछ लोग रिक्शा से आते हैं, ठीक है। कुछ लोग किससे आ रहे हैं, रिक्शा से आते हैं, और वो कितने, 8 हैं। रिक्शा से आने वाले 8 लोग हैं। ये आपको क्या दिया है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। तो बहुत आसान सा काम है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, हाँ ऐसे बना लेना, ये बन गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच में ऐसे ड्रॉ कर दी ग्राफ पेपर में। हमने क्या किया, यहां से एक ब्लॉक, इस जगह से एक ब्लॉक छोड़ दिया, फिर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक लेकर के दूसरा ब्लॉक लेकर के उतनी ही बिट का एक हमने ग्राफ बनाना है, जिसका नाम देना कार। यहां पे कॉलम बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, कार। फिर एक का छोड़ दीजिएगा, फिर उसके आगे एक का ले लीजिएगा,
और इस पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इस पर हम बस को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक का छोड़ देना, फिर एक का ले लेना, उस पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्कूटर को, स्कूटर को। फिर एक का छोड़ देना, फिर एक का ले लेना, फिर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बाइसाइकिल को, बाइसाइकिल को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर एक का छोड़ देना, एक को ले लेना, यहाँ से आधा छोड़ दिया, यहाँ से आधा उठा लिया, और यहाँ पे रिक्शा को रिप्रेजेंट कर देना, आर फॉर रिक्शा। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसमें भी कैसे काउंटिंग करेंगे सर, इसमें भी ब्लॉक होते हैं छोटे छोटे, तो एक ब्लॉक को एक यूनिट मान लेना, एक छोटे ब्लॉक को एक यूनिट गिन लेना। तो आइए सर, कार, कार में कितनी यूनिट, चार, तो चार यूनिट, यानी देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिग बिग एक बिग ब्लॉक के अंदर 10 स्मॉल ब्लॉक होते हैं, हमने एक स्मॉल ब्लॉक को वन यूनिट माना है, लेट वन स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू वन यूनिट, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे कि आपने क्या स्केल लिया है, स्केल आपको लिखना पड़ेगा, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे वन स्मॉल ब्लॉक या बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट, एक यूनिट हम मान के चल रहे हैं, जैसी जरूरत हो भाई, 27 में बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं काउंट करने पड़ेंगे, अगर कहीं 270 2000 होता तो फिर उसी हिसाब से रेशियो मानते कि वन स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट 10 यूनिट, उसी हिसाब से उसको बनाया जाता है, वो बनाया जाता है। तो आइए सर, चार यूनिट इसमें काउंट कर लेने छोटे छोटे, एक दो तीन चार, ऐसे करके यहाँ तो चार हाइट तक चले गए, और ऐसे करके एक ब्लॉक बना दिए, एक कॉलम बना दिए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कार वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कितने बस, बस वाले कितने, 27 एक यहाँ तक 10, यहाँ तक 20, और यहाँ तक 27, यानी इसके आसपास ऐसे ही एक ऐसे ब्लॉक बना देना, एक कॉलम जो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, 27 को कंप्लीट कर रहा है, ऐसे करके यहाँ पे आपकी स्केलिंग होगी तो आपने आप दिखाई देगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बस को रिप्रेजेंट कर देगा। फिर स्कूटर, स्कूटर वाले 11 है, तो 10 के थोड़ा सा ऊपर, 10 से एक ब्लॉक छोटा वाला, पूरा बड़ा एक और उसके ऊपर एक छोटा सा और ले लेना, तो ये 11 को रिप्रेजेंट कर देगा। बाइसाइकिल में 20 है, 20 यानी सीधे सीधे दो ब्लॉक बड़े वाले, दो बड़े ब्लॉक ले लिए और ये आपका ऐसे आ गया। फिर रिक्शा वाले कितने, 8, यानी 10 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये आपके कौन होंगे, ये रिक्शा वाले होंगे बच्चे, इनको ऐसे सेटेड कर देना, ये आप डिजाइन में रहने तो कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ये है आपका बारग्राफ, कुछ है थोड़ी ना, बारग्राफ आसानी से ड्रॉ कर देना बस, है ना। अब देखो दो तरीके क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी क्या करेंगे, आपको बारग्राफ बना दे देंगे, पूछ लेंगे भाई बताइए सबसे ज्यादा किस चीज से आ रहे बच्चे, किस मॉड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे, तो आप बता दो सर इसको देख करके, इसको सर बस से सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे, कितने आ रहे हैं, अब देखोगे सर इसके सामने कितना 27 है सर, 27 स्टूडेंट बस से आ रहे हैं, ऐसे देख के बता दोगे आप, नहीं बता दोगे, हाँ सर बता तो लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको या तो ये दे देंगे, ये बनवा लेंगे, ये देकर के आपसे इनमें से कोई डाटा पूछ लेंगे, बस इतनी सी कहानी, सिंपल तरीके से समझना है, बार ग्राफ के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी और इक्वल यूनिफॉर्म लेंथ के बना, मतलब बिट्स के बनाने नहीं है आपको, यूनिफॉर्म बिट्स और इक्वल डिस्टेंस बीच में आप छोड़ते जाइए, बनाते चले जाइए, और ये क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बार ग्राफ और कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल जस्ट सिंपल एकदम, बार ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए सर अभी नहीं क्लियर होगी, एक चिंता कैसे क्लियर कर लेंगे, ये मानेंगे थोड़े ना, या और एक एग्जाम्पल को चाहिए, हाँ चाहिए बिल्कुल चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरे नंबर क्वेश्चन लिखा है देर आर 800, क्या लिखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, इमेज साफ नहीं मेरे पास, कुछ क्लियर नहीं, 840 आगे क्या है, इन द नहीं क्लियर हो रहा, चलिए इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा अपने आपसे, हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए, थर्ड देख लेते हैं लोग, कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन डिफरेंट हेड्स ऑफ द मंथ इन गिवन इन द, मतलब किसी महीने में किसी घर में एक्सपेंडिचर किस चीज में कितना कितना खर्च हुआ उसकी आपको टेबल दे दी गई है, क्या दिया गया है, हेड दिए गए और एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है, ये टेबल ऐसे बनी हुई है आपकी किताब में बनी हुई है पूरी टेबल इस तरह से, यहाँ पे लिखा हेड, हेड मतलब किस चीज में खर्च कर रहे हैं, हेड एंड एक्सपेंडिचर, हेड एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, चलिए फूड में कितना खर्च कर रहे हैं, फूड, फूड मतलब खाने पीने में कितना खर्च हो रहा है, 4000 रुपये, कोई व्यक्ति है उसके घर में 4000 रुपये सिर्फ खाने में खर्च हो रहा है, ठीक होता ही है सबके यहाँ कि नहीं होता है। फिर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च कर रहे हैं बच्चे, एजुकेशन, एजुकेशन कितना खर्च हो रहा है, 2500 रुपये, 2500 रुपये इसमें खर्च हो रहे हैं। फिर क्लॉथिंग, कपड़े वपड़े में क्लॉथिंग, उसमें 1000 रुपये हर महीने खर्च हो रहे बच्चे, है ना। फिर
हाउस रेंट, कोई मान लो किराए पे ले रहा है उसका हाउस रेंट भी होगा, हाउस रेंट कितना जा रहा है, आप अपने घर में रहते चलो कोई बात नहीं बच जाता है पैसा, तो वही सेविंग हो जाती है आपकी। और अदर, अदर्स में मतलब और जो खर्चे जैसे दवा ले आना कुछ ले आना, ये सब दुनिया की चीज़ें, बीच बीच में बीमार हो गए है ना, बुखार आ गया, तो इसकी भी इसमें 2000 रुपये हर महीने के आपके खर्च हो जा रहे हैं। और आप कुल मिला के जो सेविंग कर पा रहे हो वो कह रहे हैं सिर्फ 1500 रुपये महीने में बचा पा रहे हैं, बस बाकी सब काम खत्म, जो आया सो उड़ाया है ना, खर्च हो जाते हैं। क्या किया जाए बेटा, जब कमाया जाता है तो पता चलता है कि कैसे खर्च हो जाते हैं, आपको तो नहीं समझ में आएगा भैया, ठीक है। तो ऐसा इसमें क्या करना है, आपके ये हेड्स हैं और इन पे इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डिजिट किसमें दी गई है, 1000 में चल रही है। तो अभी देखो पिछले सवाल मैंने कहा था वन स्मॉल यूनिट इज इक्वल टू, मतलब वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट, अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 1000 तक चलना है, क्योंकि अगर हम 4000 पे स्मॉल बॉक्स गिरेंगे तो फिर घंटों लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं, ऑन वाई एक्सिस हमारी जो स्केल होगी, यहाँ स्केल एडिंग डाल दिया करो, स्केल ये है, ऑन वाई एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स या स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू कितने मान लेते हैं, 100 के मान लें, 100 यूनिट मान लें कि कितना मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा तो 100 नहीं मानना, तो आप 50 मान सकते हैं, चलो 50 यूनिट मान लेते हैं। मतलब एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को, तो दो यूनिट किस, दो बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 100 को, तो 4000 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बॉक्स लेने पड़ेंगे, 80 मतलब 8 बड़े ब्लॉक, क्योंकि एक बड़े ब्लॉक के अंदर 10 बॉक्स होते हैं। आप देखिएगा ग्राफ पेपर उठा के, आज चलिए बनाना शुरू करिए, यहाँ पे ऐसे बना लिया भैया अच्छे आराम से। सबसे पहले फूड देखो, हम यहाँ पे पहले बॉक्स में एक ब्लॉक बना ले रहे हैं, एक यानी यहाँ तक कितना हो गया 1000, एक ब्लॉक पे 1000, दो ब्लॉक पे 2000, तीन ब्लॉक पे 3000, चार ब्लॉक पे 4000, नहीं यार हाँ ठीक तो है, नहीं एक स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू वन यूनिट, गड़बड़ कर लिया, गड़बड़ स्मॉल ब्लॉक हटा करके आप वन बिग ब्लॉक कर लेते हैं, सीधे 100 यूनिट मान लेते हैं, नहीं तो भी सर मजा नहीं आएगी। वन बिग ब्लॉक, कितने बिग ब्लॉक ले लिए, बड़ा ब्लॉक, और कितने 50 यूनिट, तो 50 यूनिट मान लिया चलिए, तो वन ब्लॉक में यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 तो 100 बहुत लंबा जाएगा बेटा, 4000 तक तो हम लोग बिक जाएंगे है ना। वन बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 500 यूनिट मानते हैं, 500 यूनिट चलिए, तो ये हो गया 500, 50 करके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 500 फिर 1000 फिर 1500 फिर 2000 है ना, अब सही है, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 3500, और फिर सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा यही खर्च हुआ 4000 रुपये, इससे ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, कहीं कहीं बात खत्म, बस इतने काम हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़िए, एक ब्लॉक की डिस्टेंस छोड़िए, एक ब्लॉक का ब्लॉक लिया कितना 4000 फूड में खर्च कर रहे, तो 4000 तक के लेंथ का एक ब्लॉक बना दीजिए, ब्लॉक बना दीजिए ऐसे, ये 4000 की लेंथ का बन गया, लेकिन 4000 तक आ गया, ऐसे ऐसे दार पे कर देंगे, यहाँ लिख देना क्या फूड, फिर किस पे खर्च किया आपने 2500 एजुकेशन, 2500 लिया तो इसकी सीध में यहाँ पे आया इस जगह पे, इक्वल डिस्टेंस छोड़ करके यहाँ पे ऐसे नीचे फिर ड्रॉ कर लीजिए 2500 का, ये थोड़े हमारे पतला हो गया इसको बराबर, अरे भाई ना तो इक्वल आएगा क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, आप अपना देख करके करिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर देगा, नहीं कर देगा ये एजुकेशन हो जाएगी। फिर क्लॉथिंग में 1000, तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे क्लॉथिंग में आप करा लीजिए, ऐसे क्लॉथिंग करा दीजिए 1000 रुपये, CL लिख दिया हमने, फिर 3500 हाउस रेंट, तो साढ़े तीन तक के लेंथ में चले जाएंगे, 3.5 कहाँ तक, यहाँ तक है 3.5 तक, यहाँ तक आया, क्या बन गया यहाँ पे, इसमें हाउस रेंट हो गया, HR जिसको बोलते हैं हाउस रेंट हो गया, ठीक है। अदर 2000 रुपये मेडिसिन वगैरह में 2000 की सीट में आए, यहाँ पे ऐसे 3 ब्लॉक बना लीजिए, ब्लॉक मतलब कॉलम बड़ा बड़ा बनाते चलिए, इसे बनाते जाइए, फिर लास्ट में सेविंग कितनी करें, 1500, तो 1500 ये आया, 1500 की सीट पे यहाँ सेविंग हो गई, ये सेविंग हो गई, ये क्या है आपका, ये अदर है, ये क्या है सेविंग है, ऐसे फिगर बनी बस सवाल सॉल्व हो गया, बारोग्राफ हो गया, फ्री के नंबर हैं ये कि नहीं है, बिल्कुल सर फ्री के। अब इसमें उल्टा भी क्वेश्चन ऐसे बना कर दे रहे हो, ये पूछ लें हम पूछे बताइए एजुकेशन में कितना खर्च हुआ, तो इसको देख कर कहेंगे सर एजुकेशन में सर 2500 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, हमने कहा ये बताइए हाउस रेंट में कितने खर्च हो रहे हैं, हाउस रेंट का ये कॉलम इसमें देखा चाहिए किसकी आएगी, ये 3500 रुपये खर्च हो रहे हैं, मान लो टेबल ना देते तो ऐसे देख कर, ना दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, ग्राफ दे करके वैल्यूज पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ देते टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन फूड एंड
सेविंग, तो भैया फूड में कितना 4,000, सेविंग में कितना 1,500, तो टोटल कितना 4.5 और प्लस 1.5 कितना हुआ 5,500 रुपए खर्च हो रहे हैं। बस इस तरह से आप देख करके बना लेंगे क्वेश्चन, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या इसी ग्राफ में पूछे तो सबसे ज्यादा किसमें खर्च हो रहा है, तो फूड में खर्च हो रहा है, उससे कम किसमें खर्च हो रहा है वो भी बता देते देख करके, नहीं कर पाएंगे कर लेंगे। तो बार ग्राफ की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पहला एग्जाम में तीसरा एग्जाम में कंप्लीट कर दिया हमने, अब सारे नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है ना। ऐसे आप दूसरा बनाइएगा, क्या लिखा लेटर्स ए बी सी डी ई एफ, कुछ कोई पन्ना उठाया हमने, पेज सेलेक्ट किया, उसमें स्पेलिंग देखी, उसमें स्पेलिंग से कुछ लेटर्स मिले, उनको हमने लिख लिया इतनी बार ये लेटर्स आ रहे हैं उस पेज में, उसके लिए ग्राफ बनवा लिया, क्या दिक्कत है, बना देंगे आप, बना लेंगे ना। एग्जाम्पल चौथा करिएगा अपने आप से, ठीक है। फिर पांचवें एग्जाम्पल में भी ऐसे टेबल दे दी गई है, क्या लिखा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन एजुकेशन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए 5 ईयर पीरियड 2013 से 2017, 5 ईयर, हाँ 5 ईयर हो गए, 2013 से 2017 तक इन करोड़ आर रुपीज दे दिया गया भैया, इस एजुकेशन में ये खर्च हुआ, इसमें इतना, सबका लिख ग्राफ बनाना है, बन जाएगा, कोई इसमें कहानी नहीं है, आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल पांच भी सरल है, जो कठिन होगा बताएंगे, जो नहीं कठिन है उसमें कोई फालतू बात नहीं। छठवां एग्जाम्पल भी कोई दिक्कत नहीं, सातवां भी हो जाएगा। आठवें में क्या किया उन्होंने, आपको बार ग्राफ दिया है, आठवें में ग्राफ दे दिया, देखिए आठवां क्वेश्चन खोलिए आपने, आठवां एग्जाम्पल, उसमें देखिए बार ग्राफ बना के दे दिया और कुछ क्वेश्चंस नीचे बना दिए उन्होंने, पहले तो बार ग्राफ बना के दे दिया और कह रहे हैं उसके बेस जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कैलकुलेट करके हमें बताइए, तो बार ग्राफ मिल गया ना। हाँ, अब हम क्योंकि यहाँ बना नहीं पाएंगे उसको बना के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है, तो आप बार ग्राफ देखिए, हम उस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, तो देखिए पहले लिख रखा है पूरा, पहला पहले में कुछ लिखा हुआ है, फिर दूसरे में कुछ लिखा है, इस तरह से लिखा है। अब हमारे भी बिल्कुल क्लियर इमेज ना होने के हम पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विच इज द हाइएस्ट पीक एंड व्हाट इज द हाइट, सबसे हाइएस्ट पीक कौन है और सबसे उसकी हाइट कितनी, ये पूछा गया। तो आप फिगर देख करके सबसे ऊंची पीक नहीं निकाल, सबसे ऊंचा कॉलम नहीं देख पाएंगे, देख लेंगे उसकी हाइट, वहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, वाई एक्सिस पे गिरेगा, उस वाई एक्सिस पे जो हाइट आ रही हाइट बता देगा सर, हो जाएगा सर, कर लेंगे। राइट डाउन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द हाइएस्ट पीक एंड द लोएस्ट, सबसे ऊंची हाइट वाले का और सबसे नीची हाइट का जो कॉलम बना उनका रेशियो पूछा गया है। रेशियो कैसे निकलेंगे, मान लीजिए सबसे हाइएस्ट वाले की पीक की जो हाइट है उसके सामने लिखा है 5,000 और जो सबसे लोएस्ट उसकी जो हाइट है उसके नीचे लिखा है 2,000, तो रेशियो पूछा गया है, तो 5,000/2,000 0,0 कट जाएगा, 5:2 का रेशियो हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा। राइट द हाइएस्ट ऑफ द गिवन पीक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में पीक्स को लिखना है, पहले सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उनके नाम लिखते चले जाने, कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत थोड़ी ना है कि भर होगी, सबकी हाइट लिखते चले जाने, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी 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 सबसे लास्ट में बड़ी वाली तक, हो जाएगा, कर लेंगे सवाल, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं कर सकते आप। आठवां भी सवाल हो जाएगा, नवे में भी ग्राफ बना के दे दिया उन्होंने, नाइन्थ एग्जाम्पल में भी ग्राफ बनाया और कुछ क्वेश्चन पूछ लिए उस पर, तो ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज में सिर्फ आपको बार ग्राफ बनाना है, बना लेंगे और हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा विद एग्जांपल विद क्वेश्चन, जो ना आए आप हमको बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग हिस्टोग्राम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम में क्या होता है, सेम काम है, बिल्कुल वैसे ही काम है, इसमें क्या कर रहे थे, हमारे एक का बार अलग अलग बना रहे थे, वहां पे सब जोड़ करके बनवा देंगे एक साथ। हिस्टोग्राम के बारे में बात करते हैं, हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल। इसमें जैसे कहते हैं कार बोल रहे थे, बस बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल चलेगा। हिस्टोग्राम में क्या चलता है, जैसे कहेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके जैसे सवाल लिखते, पहले सवाल लिखेंगे समझ में आ जाए, बहुत आसान सा है था। ये ऐसे करके बढ़िया फिगर आसानी से समझिए, एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं हिस्टोग्राम में,
और एक ही एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी कर्व भी क्लियर हो जाएगा। कहोगे सर सब पूरा आज खत्म कर देंगे क्या? हाँ आज पूरा ही खत्म हो जाए अच्छा रहेगा। फिर जो आपको प्रॉब्लम्स हो आप हमसे पूछ लेना, हम उसको क्लियर करके आगे अगले चैप्टर में। कुछ है नहीं बेटा इसमें, बड़ा इजी है। हिस्टोग्राम पहले लिखा मार्क्स, मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, सब कुछ स्टूडेंट पे ही चलता है, सारा प्रयोग स्टूडेंट पे ही करते हैं लोग, है ना। हाँ क्या करें ताकि आपको समझ सके ना, आपकी क्लास में जीरो से 10 से 20 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, जिनके 10 से 20 नंबर आए हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं कोई टेस्ट हुआ होगा उसमें 10 से 20 वाले ही हैं। ये क्या दिया है इसमें, रुक जाओ पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन ऑफ द, नहीं क्या लिखा है, बाई मीन्स ऑफ ए हिस्टोग्राम। अच्छा रिप्रेजेंट करना हिस्टोग्राम से, इसको पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमको। चलिए तो 10 से 20 इतने मार्क्स लिखे, ये मार्क्स है बेटा, ये मार्क है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से कहां तक, 70 तक नहीं दिया होगा, 70 से 80 भी दिया भैया, 60 से 70 और 70 से 80। ये क्वेश्चन है आपका, समझाने के लिए थोड़े कम भी लेकर काम चला सकते थे, मैं आपको पूरा दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए समझिए। 11 यहां पे कितना है, 9 यहां कितना है, 13 यहाँ कितना है, 14 देख लो भाई, 14 नहीं 16 है, 16 4 3 ये है, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दे दी गई। आप बढ़िया अच्छे से यहाँ पे ऐसे बना लिया, करिए बना लिए, बना लिए सर। यहाँ पर ब्लॉक होते हैं, हाँ होते हैं सर, उन ब्लॉक को बड़ा ब्लॉक ले लीजिएगा और एक ब्लॉक इसको टू 10 यूनिट चलेगा, वन ब्लॉक यानी यहाँ पे 0, एक ब्लॉक ही पूरा हुआ यहाँ पे 10 लिख दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, 20 से यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, 30 से यहाँ तक 40, 40 से ये 50, 50 से ये 60, 60 से ये 70, 70 से ये 80, 80 से आगे 90। मतलब एक ब्लॉक को हमने 10 यूनिट मान करके लिख देंगे। अब यहाँ पे स्केल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्केल, वन बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट, 10 मार्क्स, 10 मार्क, 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और y एक्सिस पे x एक्सिस पे हो गया, और y एक्सिस का स्केल लिख दीजिए, y एक्सिस की फ्रीक्वेंसी को तो कितनी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से रिलेट कर लें भाई, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं ऊपर, तो आप क्या करें, चाहे तो एक ब्लॉक बराबर, एक बिग ब्लॉक बराबर एक यूनिट मान लें, या एक बिग ब्लॉक बराबर दो यूनिट मान लें, जैसा आपको समझ में आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह रहे हैं वन बिग ब्लॉक इज इक्वल टू टू यूनिट, टू यूनिट यूनिट। तो आए सर एक ब्लॉक यहां है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, आखिरी सबसे ऊंचा ये बनेगा, मिटा देंगे थोड़ा, 16 तक जाना बस, एक बनेगा बस। चलिए आप देखो यहां पे क्या लिखा है, 10 से 20, 10 से 20 ये 10 से 20 यानी यहां से यहां तक की बात करो कितने यूनिट, 7 यूनिट, 7 यूनिट, तो 6 यहां तक 6 हो गया, 7 इसके बीच में, 8 और 6 के बीच में आएगा 7 यहां, तो देखिए ये ऐसे यहां से इसके स्केल ऐसे खींचना, ये से खींच लिया और ये बना दिया हमने क्या, एक ब्लॉक बना दिया, ये हो गया 7 यूनिट। इसके ऊपर यहां पे ऐसे लिख दिया करिए ताकि पता रहे क्या 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है। अब दूसरा क्या बनना है, 20 से 30 कहां तक जाना, 11 तक, 11 10 ये 11 यहां कहीं होगा इधर, 20 20 वाली लाइन से यहां से ऊपर उठे, अब देखो इसी को इसी लाइन के ऊपर से होते चले जा रहे, कहां तक जाएंगे, 11 तक जाएंगे, 11 तक ये आ गए, देखो आ गए, ऐसे 30 वाली लाइन से ऊपर उठेंगे कहां तक आएंगे, 11 तक आएंगे, आ गए ये, और इसको ऐसे मिला दिए, देखो 11 यूनिट, 11 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में अपना ऐसे ऐसे करके वो जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो ऐसे ऐसे कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों जुड़ करके बनना है, उसमें डिफरेंस बीच में गैप होता था बार बार, इसमें गैप नहीं है, ये हिस्टोग्राम में बस यही है। फिर कितना लिखा, 30 से 40 कहां तक जाना है, 9 तक, तो 6 तो 8, 8 9, 9 यहां पे ही आएगा बीच में, तो ये 30 वाली लाइन में यहां से यहां तक है 9 तक, ये देखो ये तो ऑलरेडी खींची हुई तो यहां तक ही आ गए, 40 वाली लाइन को ऐसे उठा लिया 9 तक, और ये क्या लिख दिया, ये 40, ये कितना हो गया, ये सॉरी 9 हो गया, 40 तक, 40 से 50 13, 40 से 50 13, 12 ये 13 यहां कहीं होगा, 13 यहां तक, यहां तक चले आए, देखो 40 वाली लाइन को यहां तक ले आए, फिर 50 वाली लाइन को यहां तक ले आए, एक ब्लॉक बन गया, ये क्या हो गया 13 हो गया, 13 के बाद कितना 16, 50 वाली लाइन कहां तक चलेगी 16 तक, 16 यहां तक आया, ये 16 के बाद ये इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि दिखाई नहीं समझ में आने लगे, ये यहां से ये आपका 16 हो गया, 16 ये 16 तक चला गया, नीचे आ गया 16, 60 पे आके 60, 16 के बाद क्या लिखा है, 60 से 70, 60 से 70 तक कहां जा रहा है, 4 यूनिट, 4 यूनिट तक आए, 4 यूनिट पे 60 से 70 वाले ब्लॉक को बना दिया, फिर 70 से 80 3 यूनिट, 3 मतलब 2 से और 4 के बीच में, 70 से 80 ये 2 से 4 के बीच में, बस
बस ड्रॉ हो गए, इनकी बस ऐसे करके आप डिजाइनिंग कर दीजिए, वो तो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, ऐसे बना देना, ये आपका क्या बन गया। ये है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। बार ग्राफ में क्या होता है, बीच में स्पेस छूटता है, इसमें स्पेस नहीं छूटता है, सीधे सीधे चलता है एक से साथ जोड़ करके, और इसमें हमेशा क्लास इंटरवल दिया जाएगा, उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, जैसे कहेंगे ट्रक है, बस है, टेम्पो है, कुछ भी बोलेंगे, अलग अलग चीजें होंगे, ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें क्लास इंटरवल जरूर होगा। क्लियर होगा? हाँ, कुछ कुछ तो क्लियर हो गया सर, बना लेंगे, बना लेंगे सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अगला एक और सवाल देख लेते हैं सर, एक और दिखा दीजिए सर, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा हमको। ये क्या था, ये बार, ये हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम के बाद आता है फ्रीक्वेंसी कर्व, इसी से बनता है, इसी तरह के बनेगा, बस बिल्कुल इतना ही बनाने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ये समझ में आ गया तो फ्रीक्वेंसी कर्व समझ लो 100% समझ में आ जाएगा बाद में। तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया, 150 से 153, 150 से 153, 153 से स्टार्ट करना है और ऐसे करके बनाते चले जाना है, 153 से 156 ऐसे दिया होगा, 153 156 150 से 153, 153 से 156, 156 से 169, 159, 159 से 162, 62, 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
68 तक गए, 165 से 168 तक का टेबल बना बना दिया। ये वैल्यूज दी है इन्होंने, दे दी, भर ले रहे हैं। लैंग्वेज देख लेंगे, सी आई दे दिया, पी आई 7, 8, 14, 10, 7 है, 8 है, 14 है, 10 है, 7, 8, 14, 10, 6, 3, 6, 3, 6, 3 है, 6, 5, 6, 5 है, वो 3 लिख देते तो छोटा अलग बनता है, तुम कहते तो सर मैच नहीं करा हमारे उपान से, ये हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस 150 से स्टार्ट कर रहे, क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ये क्लास इंटरवल सी आई होगी और ये फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान दीजिए। अब 150 से आपको स्टार्ट करना है सर, तो अभी देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो वन बिग ब्लॉक इज इक्वल टू, वन बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 3 यूनिट, कितने यूनिट, 3 यूनिट के मान लिया, जिसमें 10 यूनिट माना गया था, ये 3 यूनिट माना गया। फ्रीक्वेंसी कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं, तो एक एक ब्लॉक को मान लेंगे हम, क्या उसके बराबर है। चलिए सर अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ क्या करेंगे सर, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे 150 तक 3 यूनिट काउंट करेंगे क्या, तब तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जिगजैग कर देते हैं इस जगह, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जिगजैग इस जगह से स्टार्ट करके यहाँ से लिखते हैं 150, मतलब ये यहाँ से आते 150 को कवर कर लिया, इस तरह से जिगजैग कर देंगे इसको कवर कर लिया, 150 से एक ब्लॉक बड़ा बन रहा है 153, 156, 159, 159 से 162, ज्यादा डिस्टेंस में चला गया, देखो हमारे पास स्किल नॉलेज में दिक्कत होती है, 162, फिर 165, 168, ठीक। हाँ ऐसे भी यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो शुरुआत 0 से लेकर, तो इस बीच में जिगजैग करने की जरूरत है, जिगजैग का मतलब समझ गए, ये यहाँ से 0 से लेकर के 150 तक जिगजैग हो गया, इस जगह से हमारा स्टार्ट है 150, 1, 2 ऐसे करके बना रहे हैं, 3 ये ब्लॉक हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 14 है, 1, 2, 3, 4, 5 अपने हिसाब से लिख लेना। अब आए सर 150 से 153 तक कितने ब्लॉक गए, 7 ही यहाँ तक आई, 150 से ऊपर तक गए यहाँ तक 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही आ गए, जगह रुक जाएंगे यहाँ से कैसे उतार देंगे, 153, 153 से 156 एक और बढ़ा दिया, 58, 8 हो गए, फिर 14 तक जाने तो 14 तक ऐसे सीधे चला दिए, ये 14 तक आकर सीधी लाइनें खींचना, हमारी टेढ़ी हो जा रही है आप सीधी खींचेंगे 14 तक हो, फिर कितना 10 तक, तो 10 यहाँ पे ही आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, तो 10 ये सीधे ली और ये देखो 162 पे आ गए, 10 के बाद कितना 6, तो 5 और ये 5 ये 5 यहाँ तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ये सीधा गए, ये 6 हो गया और ये कितना है 5 है, 5 यानी यहाँ तक आ जाएगा, ये सब ऊपर लिखे 5 है, ये 6, ये 10 है, ये 14 है, ये 8 की हाइट है, इसकी 7 की हाइट है, बन गया फिगर, बस इसको ऐसे ऐसे करना रहेगा। बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बहुत आसानी से बना सकते हैं सर, मतलब आपको ये नहीं पता चल गया, जब ज्यादा डिफरेंस हो तो बीच में जिगजैग देकर वहां से जहां से मानो स्टार्ट कर दीजिए, आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, अब तो बस हम पारंगत हो गए इसमें, है ना। ऐसी एक प्रॉब्लम आती है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का गेम बनेगा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का गेम बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमने आपको सिखाया था, आप सिखाया नहीं, आप सिखाने जा रहे हैं, अभी सिखाया नहीं, सिखाने जा रहे हैं,
चलो अच्छा एक काम करो, अभी यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो तो बनानी पड़ेगा हमको। तो अगले वीडियो हम बाकी इंक्लूसिव से कैसे, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके आगे का लेके चलेंगे, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी कर्व मतलब अगले उसमें वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। मतलब चैप्टर क्या, ये टॉपिक यानी सेकंड जो स्टैटिस्टिक का सेकंड चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आसानी से करना कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात पहले हम समझा देते हैं, तो थोड़ी सी समझ लीजिए, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव को जान लीजिए। जैसे आपको ये ऐसे लिखा है जी, जैसे मैंने लिखा 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, ये जो क्लास इंटरवल है ये कहलाता है एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर ये इसी क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव में अगर कहीं लिखा, मान लो 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ये कैसा है, इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव है। अच्छा, इसमें क्या है कि देखो जो जो इसकी अपर है वो अगले वाले की लोअर बनती है। इसमें इसमें क्या होता है, इसके अंदर वो डाटा आते हैं जो 10 से लेकर के 19 तक वाले, 20 वाला नहीं आएगा, 20 वाला आगे वाले में चला जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें 10 से 20 तक के दोनों आएंगे, 10 वाला भी इन्वॉल्व होगा, 20 वाला भी इन्वॉल्व होगा। इसमें सिर्फ 10 वाला इन्वॉल्व होगा लेकिन 20 वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोला जाता है। इसमें अपर लिमिट वाला डाटा नहीं ऐड किया जाता, इसमें दोनों डाटा ऐड किए जाते हैं, दोनों अंदर रखे जाते हैं, ठीक। तो हमको जब ऐसे दे देंगे तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ध्यान से इसका बात समझ लेना। जब इसको ऐसे देंगे तो हमें क्या करना होगा, उसको बात को समझिए, बात खत्म हो जाए। इसमें कुछ नहीं करते, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, जैसे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इस वाले में, तो हमें क्या करना है कि लोअर लिमिट को 0.5 कम कर देंगे, लोअर लिमिट को 0.5 कम कर देंगे और अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा देंगे, बस ऐसे। तो 9-10 था, 9.5, 20.5, लोअर 0.5 कम, अपर 0.5 बढ़ा देना। 21, 0.5 कम करेंगे तो 20.5 और 0.5 बढ़ाएंगे 30.5, 0.5 कम करेंगे 30.5, 40.5। अब देखिए ध्यान से, जो इसकी अपर थी इसकी देखो लोअर बन गया एक्सक्लूसिव नहीं। तो ये इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझाया गया, ये एक्सक्लूसिव हो गया। तो इंक्लूसिव में जब देंगे तो हमको एक्सक्लूसिव में चेंज करना, फिर उसका ग्राफ बना देना, कोई लड़ाई थोड़ी ना है, कोई लड़ाई नहीं है, बस ये आपका काम बढ़ेगा इसी के आगे थोड़ा समझा करके चलना है। तो हमने इसकी तैयारी कर ली, कल आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।